आज की क्लास में रहेगा अपना सबसे पहले उद्दा और फिर रायमल और पृथ्वीराज सिसोदिया व सांगा के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष। सबसे पहले उद्दा की बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी कि माणा सांगा का जो शासनकाल रहा है वो 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा, और मैंने कहा था कि महाणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रोगग्रस्त हो गए थे। तब उनके पुत्र उद्दा ने उनको कटारगढ़ से गिराकर उनकी हत्या कर दी थी। उद्दा ने कटारगढ़ से गिरा करके अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी। अब कुंभा का हत्यारा बना कि नहीं, ऐसा अपन मेवाड़ के गुहिल वंश में पहला शासक पढ़ रहे हैं, और कुंभा के बाद जो शासक बने हैं उनका बेटा उद्दा या उदयकर्ण राजा बना। 1468 में राजा बन गया। अब 1468 में राजा बनने के बाद राजघाट चलाता रहा, और उनका छोटे भाई का नाम है रायमल। क्या है? रायमल। अब उद्दा एक दिन जा रहे थे, बरसात आई, बिजली के चपेटे में आके यानी पापा को गिरा के मारा, इसको बिजली ने मारा। किसने? बिजली ने। तो गोहिल वंश का जो पितृअन था यानी गोहिल वंश में सिसोदिया वंश में ऐसा पहला व्यक्ति हुआ है जिसने किसी अपने पिता की हत्या करके राजा बना। पिता का हत्यारा क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाता है। तो गोहिल वंश का पितृहंता कौन है? उद्दा या उदयकर्ण, जिसने अपने पिता माणा कुंभा की कटारगढ़ से गिरा करके हत्या कर दी थी। इसके बाद बात आती है कि अपने जितने भी राजवंश पढ़ते हैं उन राजवंश में पितृहंता आपको एक साथ याद होने चाहिए। एक बात आप पढ़े होंगे, जैसे अपने गुज्जर प्रतियार वंश पढ़े तो गुज्जर प्रतियार वंश में पढ़ा होगा कि गुज्जर प्रतियार वंश का जो पितृहंता रहा है तो मिहिर भोज रहा है। कौन है? मिहिर भोज ने अपने पिता राम भद्र, किसकी? राम भद्र, ये बाई मिस्टेक है, किसकी? राम भद्र, राम भद्र की हत्या कर दी थी। तो गुज्जर प्रतियारों का जो पितृहंता है वो मिहिर भोज। अगर अपन राठौड़ वंश में चर्चा करें, किसमें? राठौड़ वंश में एक शासक हुआ राव गंगा। राव गंगा का बेटा हुआ राव मालदेव। राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और 1562 में राजा बन गया था। 1562 में पिता की हत्या करके राजा बना। तो राठौड़ वंश का जो पितृहंता होगा वो होगा राव मालदेव। अब राव मालदेव ने किसकी हत्या की? उसके पिता का नाम क्या है? राव गंगा। अपने पिता राव गंगा की हत्या करता है। और राठौड़ों का जो दूसरा पितृहंता है वो एक अजीत सिंह हुआ है। कौन है? जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह, और अजीत सिंह का बेटा था भक्त सिंह। भक्त सिंह इसकी हत्या करते हैं। अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कौन करता है? भक्त सिंह। तो अपने को याद रखना है कि ये जो पितृहंता वो एक साथ याद होने से पूर्व देसी की है ही, डालडा की मिलावट को नहीं है कभी। एक सागा आगे देखो निचोड़, चार बातें। गोहिल वंश का जो पितृहंता है वो उद्दा या फिर उदयकर्ण, उद्दा या फिर उदयकर्ण है, जबकि गुज्जर प्रतिहारों का जो पितृहंता है वो मिहिर भोज है, और राठौड़ों का पितृहंता राव मालदेव, और राठौड़ों का दूसरा पितृहंता है वो भक्त सिंह। कौन है? भक्त सिंह। इसकी उद्दा की जो मृत्यु होती है वो 1473 में आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है, जबकि उद्दा ने अपने पिता महाणा कुंभा को कटारगढ़ से नीचे गिरा करें हत्या कर दी थी। ये बात आपको पता है। इसके बाद देखो एक प्रश्न अच्छा बनेगा कि महाणा कुंभा के बाद राजा कौन बना? महाणा कुंभा के बाद शासक बना, शासक बना, तो आपका उत्तर है उदय, या तो उद्दा होगा या फिर उदयकर्ण होगा। उद्दा या फिर उदयकर्ण, पर ज्यादातर गलती से क्या करेंगे? रायमल कर देंगे। क्या करेंगे? रायमल। जैसे कई बार सांगा के बारे में पूछा गया, एक बार कि सांगा के बाद राजा कौन बना, सांगा के बाद है राजा कौन बना, आगे पढ़ेंगे, आपको तो नॉलेज नहीं है, पर पर्सन पेपर में पूछा गया कि सांगा के बाद राजा कौन बना, रतन सिंह बना था, पर जबकि लगभग कैंडिडेट ने विक्रमादित्य कर दिया।
क्योंकि इतिहास किसका पढ़ते हैं ज्यादातर, विक्रमादित्य का, और रतन सिंह का तो बस नाम मात्र, नाम ही नहीं लेते कई बार पढ़ाने वाले, जबकि लेना चाहिए था। कालक्रम में आजकल पर्सन ऐसा पूछ रहे कि किसके बाद कौन राजा बना, किसके बाद कौन राजा बना, तो महाराणा कुंभा के बाद जो राजा बना है वो उद्दा बना है। तो देखो महाराणा रायमल 1473 से 1509, इनके पिता तो हैं कुंभा, हमें पिता का ध्यान रखना, और एक इनकी जो रानी रही है, रानी रही है श्रृंगारें कौरी, और ये जो श्रृंगार कौरी रही है, ये श्रृंगार कौरी राव जोधा की बेटी, राव जोधा की बेटी। अब रा ससुराल क्या हुआ, सॉरी ससुराल हो गया मारवाड़, ससुराल हो गया इसका मारवाड़, इसका ससुराल है मारवाड़। एक 11 रानी, कितनी 13 पुत्र, 2 पुत्री, यानी ऐ दोनों मिला के तो हा 12, एक पूरी क्रिकेट की टीम ही, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हुआ कर तो वो खुद, और 11 ये प्लेयर है, और ओ कोच है साहब, कौन साहब गुण है रायमल, रायमल का कैरानी है, टाबर कितना है छोरियां, 2 छोरियां। एम 3 लड़कों की बात विशेष करेंगे अपन, इस रायमल के 3 पुत्र विशेष, सबसे बड़ा जो पुत्र है वो पृथ्वीराज सिसोदिया है, कौन है पृथ्वीराज सिसोदिया, और इस पृथ्वीराज सिसोदिया से जो 2 नंबर का था वो था जयमल, कौन था जयमल, और तीसरा जो बेटा था वो था संग्राम सिंह, संग्राम सिंह उर्फे सांगा, ये 3 बेटे। और इनकी एक बेटी की जो हम चर्चा करेंगे यहां पे खास करके, उसका नाम है आनंदा बाई, क्या नाम है आनंदा बाई। महाराणा रायमल 1473 से 1509 तक शासक रहे हैं, इनके पिता कुंभा हैं, इनकी रानी श्रृंगार कुंवरी है, और राव जोधा की श्रृंगार कुंवरी बेटी है। आपने ये भी पढ़ा था कि श्रृंगार कुंवरी की जो विवाह होता है तो घोसुंडी बावड़ी अभिलेख भी लिखवाती है, और इनका जो ससुराल हुआ वो मारवाड़। एक है जिनके टावरा की बात करा, तो एक तो पृथ्वीराज है सिसोदिया सबसे बड़ा है, 2 नंबर है जयमल है, 3 नंबर है संग्राम सिंह है प्रथम, या फिर माणा सागा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विशेष आती है बात, घोसुंडी बावड़ी बात बताई थी कि पिता महाराणा कुंभा है, रानी इनकी श्रृंगार कुंवरी है, घोसुंडी चित्तौड़ बावड़ी अभिलेख का निर्माण करवाती है, शिल्पी याद रखिए इनका जो शिल्पी है रायमल का जो शिल्पी रहा उसका नाम अर्जुन है, 2 इनके दरबार में दरबारी विद्वान हुआ करते थे, एक का नाम गोपाल भट्ट था, एक का नाम महेश भट्ट था, क्या था अर्जुन इनका शिल्पी है, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट इनके 2 दरबारी विद्वान हैं। आपने पढ़ा था एकलिंगनाथ मंदिर पर, एकलिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर आपने पढ़ा, और आप जानते हो कि एकलिंगनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया वो बप्पा रावल ने करवाया, एकलिंगनाथ मंदिर के जो परकोटे का निर्माण करवाया वो मोकल ने करवाया, एकलिंगनाथ जी के मंदिर के जो खंडित भाग था उसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, खंडित भाग कुंभा ने करवाता, और इसका नव निर्मित जो वर्तमान में आज से हम एकलिंगनाथ जी का मंदिर देखते हैं वो निर्माण करवाया है रायमल ने, किसने रायमल ने, ये बात अपन पढ़े। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर या एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, और ये पाशुपात संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। मैंने एक बार बार आपको बात बताई कि गोहिल वंश के जो शासक रहे हैं वो एक संप्रदाय को मानते थे लकुलिस संप्रदाय या फिर पाशुपात संप्रदाय,
और ये एकलिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश का कुलदेव भी है, कुलदेव। तो दरबारी विद्वान के बाद एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात करें, एकलिंगनाथ जी मंदिर नागदा उदयपुर में, जिसका पुनर्निर्माण करवाया राइमल ने, और राइमल ने इस एकलिंगनाथ जी के मंदिर के ऊपर एक प्रशस्ति लिखवाई, प्रशस्ति लगवाई, एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसके काल के? एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति, देखो एकलिंगनाथ जी का मंदिर नागदा उदयपुर में बप्पा राव निर्माण करवाते, मुक्कल उसका परकोटा निर्माण करता, रायमल उसका पुनर्निर्माण करवाता है, लकुली संप्रदाय या पशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, और गोहिल वंश का ये कुलदेव है, और गोहिल वंश जिस संप्रदाय को मानती थी वो लकुली संप्रदाय। इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा करके इन्होंने एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति लिखवाई, और एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति को लगवाने का जो काम किया था वो रायमल ने करवाया। प्रश्न अच्छा ये बन सकता है कि एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसके काल की है? एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसके काल के? भरमवश कैंडिडेट क्या करेगा? बप्पा रावल, भरमवश, भरमवश बप्पा रावल करेगा कि बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था तो शायद उसने लगवाई होगी। तो ऐसा नहीं है, एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसके काल की है? तो रायमल के काल की। और एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति लिखी किसने है? तो लिखी है अमर कवि ने। किसने लिखी है? अमर कवि ने। इसका जो प्रशस्तिकार है वो अमर कवि है। कौन है? अमर कवि। हमने रायमल से पढ़ा कि रायमल के पापा का नाम कुंभा है, इनकी रानी श्रृंगार कुंवरी जो जोधा की बेटी है, यानी रायमल को ससुराल कड़े ससुराल मारवाड़, और गोसुंडी चित्तौड़ अभिलेख, गोसुंडी बावड़ी अभिलेख पर ये लिखवाती है कि भी मेरा विवाह रायमल के साथ हुआ, और मारवाड़ और मेवाड़ के क्या संबंध थे? अच्छे ही बताएगी, बुरे नहीं बताएगी, है ना, क्योंकि दोनों पक्षी हो जाते हैं ना, क्योंकि लड़की ससुराल में रहे तो कहते हैं तेरे लगाम की, खास करके लड़की को समझ में नहीं आता शादी की बात सच्ची में, क्योंकि इधर की है ना, हाँ समझ में नहीं आता, क्योंकि पीर पक्ष में आती है तो ये थार ले उड़े, है ना, और ससुराल पक्ष में आ जाती है तो तेरे पापा हो रहे, तो लड़की असमंजस की स्थिति में होती है यार, मैं उधर जाऊं तो उधर की, उधर जाऊं तो उधर की, है ना। तो कोई बात नहीं, एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसने लिखवाई है? अमर कवि ने। दरबारी विद्वान गोपाल भट्ट, महेश भट्ट, शिल्पी अर्जुन। कौन है? अर्जुन। अब इसमें विशेष आपको जो पेपर में पूछा जाएगा, मैंने सारा बता दिया आपको, अब पेपर में कौन कौन सी बातें आपसे पूछ सकता है? एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसके काल की? रायमल की। एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति किसने लिखी? अमर कवि। बस इतना ही पूछेगा और इससे ज्यादा अभी तक नहीं बना। शिल्पी आपको याद रहे या रहे या ना रहे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, यहां ये बातें मुझे नहीं लगता कि आपसे बात कभी पेपर में कभी पूछी जाए, आपको नहीं पूछी जाएगी। अगली पीढ़ी में पूछा, टेंशन को नहीं, थन थारो टेंशन लेनी है नहीं। तो याद क्या, हाँ एक बात आएगी कि मालवा जो था उस समय, उस मालवा का शासक ग्यासुद्दीन था। कौन था? ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन उस समय मालवा का शासक है, मालवा का शासक को हराता है, जबकि हमने गोहिल वंश में पढ़ा था, सिसोदिया वंश में ये भी पढ़ा कि मालवा और मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात किसने किया था, यानी मालवा के शासक और मेवाड़ के शासकों के बीच आपसी रंजिश शुरू किसने की थी सबसे पहले? तो क्षेत्र सिंह ने की थी, और क्षेत्र सिंह के काल में मालवा का शासक था दिलावर खां। कौन था? दिलावर खां। तो मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष का सूत्रपात करने वाला सिसोदिया शासक है वो कौन है? क्षेत्र सिंह। कौन है? क्षेत्र सिंह। याद रहेगी ये बात, अपन पढ़े थे कि मेवाड़ मारवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात करने वाला शासक क्षेत्र सिंह, और उसने दिलावर खां को हराया था। यहाँ पे मालवा का शासक कौन है? ग्यासुद्दीन। इसकी बात आगे कहानी में डिटेल से बताऊंगा कि इससे पंगा होएगा आगे चल के अन्य शासकों का। अब रायमल दो तालाब बनवाता है, एक राम संकट और एक समया संकट। क्या? राम
शंकर समया शंकर, क्या बताया है? राम शंकर समया शंकर। ऐसे दो तालाब बनवाए। रायमल ने सोचा यार कभी बरसात होती कभी नहीं होती, सिंचाई की परेशानी थी, तो मेवाड़ में सिंचाई की शुरुआत करने वाला, मेवाड़ के अंदर पहली बार सिंचाई को काम में लेने का, काम में लेने हेतु इसने दो तालाब बनवाए, एक राम शंकर और एक समया शंकर। ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। राम शंकर समया शंकर, राम शंकर और समया शंकर नाम से दो तालाब बनवाए और इन तालाबों को बनवा करके मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ में सर्वप्रथम सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की है? रायमल। संकट राम शंकर समया संकट नामक दो जलाशय बनवा कर मेवाड़ में सर्वप्रथम है सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो आप याद रखेगा कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सिंचाई प्रणाली की शुरुआत करने वाला रायमल है। कौन है? रायमल। इन्होंने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया अद्भुत जी का, शिव का मंदिर है वो, अद्भुत जी का मंदिर। कौन सा? अद्भुत जी, अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़ में है जो भगवान है शिव को समर्पित, भगवान है शिव को समर्पित। मैंने कहा इनके 11 रानियां थी, 13 इनके पुत्र थे, 2 इनकी पुत्री थी, सबसे बड़ा जो पुत्र था वो पृथ्वीराज सिसोदिया था और दूसरा पुत्र है जयमल है और तीसरा जो था संग्राम सिंह प्रथम उर्फ है सांगा। ये तीन, इसमें दो तो ये सगे भाई है। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह प्रथम, दोनों सगे भाई हैं। और जबकि यो मौसी को बेटो है जयमल, जयमल मौसी को बेटो, क्योंकि एक मौसी भी तो बूढ़ी है ना, है हाँ, क्योंकि एक तो उनकी मम्मी होगी, 10 मौसी होगी, तो जयमल उन दशा में से एक को था। जबकि सबसे बड़ा जो पुत्र है वो पृथ्वीराज सिसोदिया। चित्तौड़ में इनकी मृत्यु हुई और जावर उदयपुर में इनकी छत्री बनी हुई, परंतु मृत्यु से पहले का बड़ा गजब इनका एक रंगमंच शुरू हुआ इनके शासनकाल में। रंगमंच भी क्या, नाटक ही मानो, गजब नाटक था। वो नाटक बता देता हूँ, गौरी शंकर हीरानंद ओझा और डॉक्टर हरिविलास शारदा, क्या कहते हैं इसके संदर्भ। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया और एक है जयमल और पृथ्वीराज नहीं संग्राम सिंह है प्रथम, तीनों का तीनों रायमल के दरबार में है, रायमल के दरबार में बैठे। रायमल बूढ़ा हो चुका था, अब रायमल ने कहा कि भाई अपने भैया को, इस रायमल का एक भाई था छोटा जिसका नाम सारंगदेव है, क्या नाम है? सारंगदेव। अपने भाई सारंगदेव को कहा यार तू न्यू करे अड़मे से तिन्ना ले जा और कड़े अपने को साण सुते को ज्योति से नन को हाथू दिखा, राजयुग कौन से के लिखे, राजयुग जिसके हाथ में होगा उसी को अपन राजकुमार घोषित कर देंगे, क्योंकि राजा के जो पुत्र होते थे, राजा के जितने पुत्रों में से राजा जीतते जीतते जी किसी एक को अपना उत्तराधिकारी राजकुमार घोषित करता था। रायमल अभी तक जिंदा है, रायमल अभी तक है जिंदा है ना, तो रायमल अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने भाई सारंगदेव को भेज देता है। एक ज्योतिषी के पास गए, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा और उनका चाचा, इनका तीनों का चाचा सारंगदेव, बुलटिंग आ जाओ थारो हाथ दिखा के लो है ना, और हाथ दिखाने चल गया। ज्योतिषी ने हाथ तीनवान बिठा लिया, एक जगह तीनवान बिठा लिया, देख दाख के बोले कि भाई पृथ्वीराज सिसोदिया का तो राजयुग कौन लिखियो, इतनी कहते ही पृथ्वीराज सिसोदिया थार ली थी थोड़ा सा जोशीलो थो क्यों जोशीलो, अरे इतनी बात कह तैरू का देख माग सी लागी और जट से खड़े हो, जट से खड़े तो ए बाई साइड का मई संगो बैठे हो, कौन बैठे हो
हाथ में तलवार रखा कर दो, उठ्यो जो तलवार को जो उलू है ना पिछलो वो डंडो पटपड़े में लग गयो आंख में, क्या मैं संगे की आंख ऊपर लग गयो, संगे की आंख फोड़ दी, फूडनो कुंचाओ संगे की फूट गई आंख। तीनों भाई बैठे, राजयोग किसको बता दिया ये बात? पृथ्वीराज सिसोदिया को थोड़ी हजम होती है, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया जब राजकुमार था ना, जब सबसे बड़ा बेटा है और हाथ में हमेशा ही तलवार ले आकर, तो तलवार का दम पके गए, पता है कि अपन तो जम्या ही राजगण खतरा, अपन तो घराना जम्या ही राजा खतर। इन्होंने एक बात कही थी कि मुझे तो पैदा इसलिए ना, मुझे तो जो पैदा किया है तो शासन के लिए नामित पैदा किया है, मैं तो पैदा ही शासन करने के लिए हुआ हूं। तलवार का दम पे कौन कहया कर तो थार बरगान कहया कर तो हारे राजा सो लागू ने बोल हाथ में तलवार हो, कौन कौन कह देवी राजा कौन दे तू, क्योंकि उत्तराधिकारी यही बनना था, उत्तराधिकारी पृथ्वीराज सिसोदिया ही बनना है, जायज भी है, पृथ्वीराज सिसोदिया ही क्या बनना है राजा बनना था। परंतु ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, राजयुग तो किसको लिखा है सांगा को, और वो जल्दबाजी में उठा तो वो तलवार का जो हुल होता है, हुल जानते हो पीछे का डंडा, जैसे ये तलवार होती है और तलवार के ऐसे लग करके एक गुलसा होता है ऐसे, या वो जाके आंख में लगा और सांगा की आंख है फूट गई। तीनवा भाई ने लिया है, आज आजा ले आके जाके रायमल ने बताई, बोली युग की करके लिया रेटिंग को तक पटफोड़ो फोड़ ले आए थे, लेकिन सही गया हाँ, उनको इलाज उलूज कराए सांगा ने सारो सांगा को रियो वर्तांत जय रायमल ने बताया कह शाख है सारंगदेव कह भाई बात आ है, राजयुग जब संगय का बता दियो तो आपने यो टिंगर बुत छेड़ो है ही थन बीरू थारे से सनी थोड़ी है, क्योंकि आप कटाबरने तो जाने ओ जल्दबाजी में उठा हो तो तलवार को हुल लाग गयो, जानबूझ के कौन फोड़ी, बोल ठीक है इलाज करवा दियो। सांगा को इलाज उलाज कराए, सांगा को इलाज करा के रायमल बोल रहे कोई बात नहीं औरू बेरू पाड़ लो, औरू बेरू पाड़ो, बोली भी क्या खड़े, बोले बिमल गांव है, बिमल गांव पड़ता है उधर, बिमल गांव में बोले पुजारण की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, कब अब इनकी भी इन बतावे कि भैंस दूध दे कौन दे नौकरी कद मिलेगी हैं, बब इनकी भी इन बतावे। तीनवा नोरू गाल दिया, सागे सारंगदेव ने भेज दिया बिमल गांव की पुजारणी कन, फिर तीनों चले गया और चौथा उनका चाचा सारंगदेव, तीनों के तीनों फिर चले गए उधर। बिमल गांव के पुजारणी फिर बोल दिया, बोल साहब जो ज्योतिषी ने कही ना वो बात सत्य है, इतनी बात कहते ही बिमल गांव में तीनों लड़ पड़ा, वो बैंक गड़बटी पकड़े और वो बैंक तीनों लड़ पड़े बिमल गांव में। अब बेचारे मार के गया कि सांगा की ए दोनों का दोनों गेल हो गया उगाड़ पगा, कौन कौन है पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल, दोनों का दोनों उगाड़ पगा। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं, क्यों कहते हैं तो उड़तो को नहीं कदे सोच उड़तो, अच्छा दावक भी था, चपलियां आस्ता भी भाग्या कर तो उगाड़ पगाड़ा कौन जान दिया कर, तो अच्छा दावत था ये पृथ्वीराज सिसोदिया, अच्छा दावत था, परंतु साथ ही साथ थारली त्रिया कल्पना चिंतक तो इतनो तेज हो कि बैठा बैठा अमेरिका चला जाता था, कल्पना तीव्र कल्पना शक्ति इसकी तीव्र थी, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया कल्पना शक्ति से बड़ा तीव्र था, कल्पना शक्ति तीव्र थी साथ ही साथ एक अच्छा दावत था, इसीलिए पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। तीनों भाई लड़ रहे सांगो आ पड़ी गड़पटी छुटाई, बोले पार कौन पड़ेगी मारूंगा दोनों मिलके, सांगो अठे सब भाग गयो, सांगो पूछ गयो सेवत्री गांव, कौन सो सेवत्री गांव में पूछ गया, कहां पूछा सेवत्री गांव, सेवत्री गांव राजसमंद में पड़ता है, और सांगा सेवत्री गांव में जाके एक विद्या राठौड़ नाम से एक व्यक्ति है, उस विद्या राठौड़ ने कही कह यार मैंने बच्चा नहीं मारूंगा, मार ला दोनों का दोनों गिल्ला हो रही है, तो कहते हैं सेवत्री गांव में विद्या राठौड़ ने सांगा को शरण दे दी, कापे बिमल गांव में तीनों भाइयों की लड़ाई, सेवत्री के अंदर सांगा को दी शरण,
आज की ताजा खबर है ना कि विद्या राठौड़ ने सांगा को दी शरण। देखिए अगले एपिसोड में होता है क्या, अगला एपिसोड दे बताता हूं क्या होता है कि जैसे ही बात जयमल को पता चला कि तेरले भैये सांगे ने तो विद्या राठौड़ शरण दे रखी, जयमल ने विद्या राठौड़ की हत्या कर दी। लो आज की दूसरी ताजा खबर, मतलब उस विद्या राठौड़ की हत्या कौन करता है, जयमल। सांगा वहां से सेवतरी से फिर बागा उगाना पगा तो लिए कौन तो सिर को पर पार हो गया सा कोने, सेवतरी गांव से चला गया श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, अजमेर में गांव का नाम है श्रीनगर, समझ रहे हो। सेवतरी गांव में विद्या राठौड़ ने शरण दी, जयमल ने उसकी हत्या कर दी, फिर जयमल ने हत्या करने के बाद सेवतरी में खैर नहीं आई हुई है, अब किसके किसकी सांगा की, सांगा फिर भागा 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 श्रीनगर पहुंच गया सा, कहां पहुंच गया श्रीनगर, श्रीनगर है अजमेर, श्रीनगर अजमेर में जाके जंगला मंडा हो तिशो प्यासो अलग सूख रहा बेचारा का, हांड थान तो परेशान हो गयो, एक शिकारी मिलो, कौन मिला एक है शिकारी, और इस शिकारी का नाम था करमचंद, क्या नाम था करमचंद पवार, एक डाकू था डकैत था, श्रीनगर में करमचंद पवार नामक एक डकैत से मुलाकात हुई। अरे बोलो किम खान पीन में मिलेगो के, बोल भाई आपा तो लुट्टा ताजा लुट्टा ताजा ताजा खावा अपने गनबासी को नहीं है, आपा तूरे कत्ते ने तिरकन तो किमी है को नहीं छोड़ू तो आर में तिरकन को, बोल मैं भी तेरे पर कोई भैया मैं भी पूर पड़वा के बाजी हूँ, एक तो दिद्दो फोड़ रखे हैं और पूर देख पट्टिया पड़ेंगे सारा का सारा है, पहले ने तो बोले पूर दे पहले कपड़िया दे और किमी यार खान पीन ने दे, करमचंद पवार ने उनको खाने पीने का दिया। अब करमचंद पवार रख लियो, बोले यार तू तुम सक गई राख, सांगा भी उस करमचंद पवार के साथ डकैती करने लग गया। लो नई ताजा खबर आज की, एक राजा का बेटा भी अब डकैत बन गया। तब कहकर टाइम बलवान हो भाई, समय पता नहीं किससे क्या करवा दे करवा दे नहीं, एक राजा का बेटा भी अब क्या बन गया, डकैत बन गया, लूटता, राजा का बेटा भी अब क्या कर रहे हैं लूटपाट, क्योंकि चला गया उधर मेवाड़ तो खैर नहीं मारेगा पृथ्वीराज, तो गयो को नहीं डकैती करनी शुरू कर दी। एक दिन डकैती कर करके बैठा और बैठा बैठा करमचंद पवार तो चला गया, और एक बरगद का पेड़ के नीचे भैया ऊँटे में वाह महल तो थोड़ी आवागो, मकान कहाँ से आएंगे, चोरों के तो यही घर होते हैं, बरगद का पेड़ के नीचे लगा आपको तो लियो और सो गयो। बरगद का पेड़ के नीचे एक सांप लो निकलो बड्डो सो नाग, क्या निकलो नाग निकलो, नाग ताण के सिर को ऊपर गए न्यू खड़े हो गए, ये बरगद का पेड़ के ऊपर जो सगुन पक्षी आ बस सगुन पक्षी आसमान में चहचहाने लग गए। उधर से रास्ते से एक सगुन शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति जा रहा था, एक आदमी जो सुन शास्त्र जाया जाने कर तो जिया थे चलो तो न्यू कह दे ना बिल्ली निकड़गी रास्तो काट दे, पक्को सगुन शास्त्र को ज्ञाता है, तब तो ऐसा नहीं होता। एक सगुण शास्त्र का एक ज्ञाता था जिसका नाम था मारू केथो मारू, मारू ने इधर से देखा कि ये जो अमुख व्यक्ति बैठा है सोया हुआ है इसके सुर पे नागराज है और सगुण पक्षी उड़ रहे हैं, निश्चित आगे चलकर ये एक सम्राट बनेगा राजा बनेगा। आ बात मारू जाने कौन जानो मारू साहब मेरा तो रोंगटा खड़े हुआ है जो सांपलों को नाम ले हुए। तो मारू ने यह सारा वृतांत जाके करमचंद पवार को बता दिया। अरे बोलो तेरे साथ एक वो डाकू रखे है तू, तेरे जो गुरगो रखे है वो गुरगो कौन है, बोले बेरू में नहीं बोली राजा बनेगो वो, ले के थी राजा बनेगो, बोल पक्की बात, बोल पक्को। करमचंद पवार दूसरे दिन आपकी छोरी बैदी संगे के देखो आदमी की बावड़े तो कितना बावड़े, देखो एक डाकू बना हुआ था और करमचंद पवार को पता चला कि ये क्या बनेगा आगे के राजा बनेगा। करमचंद पवार ने तुरंत रिश्ता फिक्स किया बिना कोई फोटू कोई सून शास्त्र, चट मंगनी पट गया, अब बन गया ये एज बंड।
अपनी घरवाली का और किसका? करमचंद पवार ने अपनी पुत्री ब्याह कर दी। अब सुसरो और जमाई बहे लूटे, पर बीच में एक घटना बाद में और घटेगी, और बाद में कहते हैं कि रायमल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस सांगा को बुला लेते हैं, बोले बेटा तू आ जा। सांगा को बुलाते हैं, राजा घोषित कर देते हैं। तो अब आप ये सोच रहे हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या हुआ, तो अब जानेंगे इस एपिसोड में कि पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या हुआ, है ना। अब पृथ्वीराज, चलो इसको सांगा को इसने बुला लिया, तो पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या हुआ, है ना। तो देखो अभी मैं जो बातें बताई आपको वो सारी बातें यही थी कि पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल सांगा अपने चाचा सारंगदेव के पास एक ज्योतिषी के पास गए, और ज्योतिषी ने हाथ देखा तो सांगा के हाथ में राज बताया। पृथ्वीराज जल्दी से उठे तो तलवार का हुल लगा दी, दो फूट गयो, बस मारवाड़ी में बोला आंख फूट गई। बिमल गांव में जाते, बिमल गांव में एक पुजारण थी जिनकी चर्चा ही बन भी, तीनों भाइयों में बात बता दी राजा का क्या बात है। संग तीनों भाइया कैसे, तीनों भाई पहुंचे, पुजारी ने ज्योतिषी की बात को सत्य बताया कि सांगा ही राजा बनेगा। तीनों भाइयों की बिमल गांव में क्या हुई, बिमल गांव में तीनों भाइयों का वहां झगड़ा, और तीन दोनों मिलके के पार ली बेचारे का कपड़ा, और कपड़ा वो एक गीत भी चले ना, मैं लल्ला लल्ला चिल्लाऊंगा कुर्ता पहाड़ के, है ना, ये बिचारो पूर पाड़े जो भाग्य उड़े सके सोच लल्ला यादव थी ने पूरा मजनू बना दियो, कहने सांगन के बना दियो पूर पाड़ के मजनू उरे सब भाग्यो कड़ गयो। सेवतरी गांव, सेवतरी गांव में शरण किसने दी, अब विद्या की हत्या किसने कर दी, क्या यही बातें हुई अपनी, यही हुई ना, विद्या विद्या की किसने कर दी हत्या, जयमल ने। इसके बाद देखे सांगा गए हैं श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास, गए हैं करमचंद पवार के पास। जब सांगा शासक बना तो करमचंद पवार को एक रावत की उपाधि, अभी पर राजा बनाया नहीं हमने, अभी राजा बनाया नहीं है, बनाऊंगा तब इसको उपाधि भी देंगे, और इसको एक बड़ा सामंत बना देता। अपना ससुर ने बोले ससुर जी थे मेरे दुख में आया ना काम, अजमेर सन थे समाड़ो, पर्वत सर भी थे समाड़ो, बनेड़ा भी थे समाड़ो, मंडलगढ़ भी लवाड़ा भी थे समाड़ो, क्योंकि मेरू थारे अलावा ते में कोई को नहीं हो। तो एन करमचंद पवार ने इनको रावत की क्या दी थी, उपाधि, करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। और ये जो सगुन शास्त्र वाले व्यक्ति का नाम क्या बताया मैंने, मारू, वो कहानी बताई थी, वो बीच में मैंने लिखने की उचित नहीं समझी और वो सारी बातें आपको बता दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या होगा, पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या होगा। अब मैं पृथ्वीराज सिसोदिया को एक बार परलोक के बाद में भेजेंगे, पहले उनके कालक्रम की बातें कर लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं, कारण अच्छा धावक था, कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र थी, इसलिए उसे उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार कहते थे। किसका, रायमल का बेटा ऐसा। इनकी रानी है तारावती, कौन है, तारावती। अब कहानी शुरू होती है तारावती से, किससे, तारावती से। यहां कुछ कोई कहानी माने नहीं है, पर मैं अब आपको कहानी की ओर लेकर चलता हूं। तारावती कौन थी, तारावती, तारावती के पापा का नाम है राव सुल्तान, कौन है, राव सुल्तान। तारावती के पिता का नाम राव सुल्तान है, जो टोडा गांव से है, कहां से है, टोडा, टोडा से थे, और उस समय मालवा के जो शासक थे वो हमने पढ़ा था भी, ग्यासुद्दीन, कौन है, ग्यासुद्दीन थे। अब इस ग्यासुद्दीन ने, मालवा के ग्यासुद्दीन ने पहले बूंदी को जीता, बूंदी से रणथंभौर जीता, और रणथंभौर से इन्होंने टोडा को जीत लिया, किसको, टोडा को। अब टोडा गांव को जीत लिया भाई, अब टोडा गांव को जीतने के बाद राव सुल्तान हो गए यहां से बेघर, और अपनी पुत्री को लेकर के रायमल के आगे पास, किसके पास आ गए, रायमल। रायमल की कहानी बता रहा हूं मैं भी सांगा, क्योंकि अगला शासक सीधा ही सांगा ही पढ़ेंगे अपन,
पर मैं पूरे कालक्रम की बातें बताता हूँ कि तारावती कौन थी। तारावती राव सुल्तान की बेटी, टोडा का रहने वाला है। उस समय मालवा का शासक है ग्यासुद्दीन। मालवा ने पहले बूंदी पर आक्रमण किया, फिर रणथंभौर, फिर टोडा पर आक्रमण किया। टोडा पे आक्रमण करके राव सुल्तान को यहां हरा देता है। राव सुल्तान बेहगर हुआ। राव सुल्तान फिर रायमल के शरण में आ गया। किसके शरण में? रायमल की शरण में आ गया। अब रायमल की शरण में आया तब ये तारावती को साथ लाया। उस समय की ये विश्व सुंदरी ऐश्वर्य राय थी। हाँ, उस समय की सबसे सुंदरी एरिए की जनी मनी फूट रही है भाई कि फूट रही। कौन है? तारावती। तारावती रूप की धनी अति सुंदरी थी। सब अगर उन टाइम विश्व मंच के ऊपर अगर किताब मिलतो तो ऐ नहीं मिलतो तारावती नहीं तो। ये अति सुंदरी थी। अपनी पुत्री को रायमल के पास साथ ले आता है और कहता है कि मुझे जो वापिस टोडा दिलाएगा उसी के साथ मैं तारावती का विवाह करूंगा। जयमल ने इसको देखा। किसने है? इसने इसको देखा, इसने उसको देखा, और दोनों को देखते देखते जयमल को बू हो गया, परंतु इसको नहीं हुआ। इसके दिल में बजी घंटी। क्या बजी? किसके? जयमल के दिल के अंदर घंटी बजती है धड़ाक धड़ाक धड़ाक। कैन देख के? तारावती। कि तारावती तो हो तो तेरी हो, तारावती तो हो तो तेरी हो। वन साइड था इसका। क्या था? वन साइड। समझ रहे हो कौन कर रहा है? जयमल। इसने हाँ नहीं किया साहब तारावती ने। अब जयमल रोज गेड़ा मारे, कह गए तारा का गए पीछे, गुड मॉर्निंग कहने खातर, गुड इवनिंग कहने खातर, गुड इवनिंग कहने, है ना, रोज गेड़ा मारे, पर कुंक गेड़ा को कोई जवाब को नहीं आवे। एक दिन बाबे देख लियो और कहते हैं कि तारावती के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। किसने? जयमल ने। तो तन्ने मेरे साथ ब्याह करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो तू काल करेगी, करनो तो मेरे साथ ही पड़ेगा। देखो राव सुल्तान देखियो टिंगर इश्यू किश्यू को पकड़ के तलवार से धड़ से धड़ से लग कर दियो। जयमल का किया काम तमाम। और एन कह दी मैं तो तेरे लन सल्टा दियो देख ले। हाँ, और जाम रखेंगे इस हैं और किसा है और रहेंगे सतीमण कोई बोल साहब कोई बात नहीं, गलती थारी को नहीं, टिंगर गलती करी सल्टा दियो। आज थे नहीं सल्टाओ तो मैं सल्टाऊँ तो हैं, क्योंकि मेरे तो हाथम के जान को नहीं बुड्ढो रही हूँ, नहीं तो सल्टाऊँ तो मैं भी यार, क्योंकि कम तो को नहीं मार लो के। तो जयमल की क्या कर दी? हत्या। जयमल की हुई यहाँ पे हत्या। कारण पता ही है इसकी वजह से। परंतु गोपीनाथ शर्मा इस बात को गलत कहते हैं। ले भाई एपिसोड ने अब लिया फिल्म ने नया मूड, अब नया मूड आ गया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं पता है? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, ये जो जयमल थे ये सोलंकियों के साथ युद्ध हुआ था और सोलंकियों के साथ युद्ध में मारा गया था। तारावती वाली बात तो कहीं का ही है, चलो हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हुआ होगा, आपको अच्छा लगा शायद हुआ होगा, चाहे सोलंकियों के साथ लड़ता मारा गया मजा नहीं आया, पर इसके साथ और इसने राव सुल्तान ने इसकी हत्या की आपको अच्छा लगा, ये करना भी चाहिए था। तो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, ध्यान से सुनिए बेटा, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया तलवार का धनी था साहब, तलवार का धनी तो है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने ग्यासुद्दीन को हराया, अर्थात पृथ्वीराज सिसोदिया सेना लेके जाते हैं तो हराया तो रायमल नहीं है, क्योंकि राजा तो अब भी, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी थी ना हमने कि मालवा के शासक ग्यासुद्दीन को हराया, पर क्यों कैसे ये रीजन है। तारावती और रायमल, यानी रायमल ने क्या किया, पृथ्वीराज सिसोदिया को भेजता है और मालवा के शासक ग्यासुद्दीन को हरा देता है। हराने के बाद राव सुल्तान को टोडा मिलता है, वचन के मुताबिक अब शादी हुई तारावती के साथ पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ, एक के साथ एक फरी पुत्र, एक का सागे एक फरी, एक आई दासी जिसका नाम था पुत्र।
अब भाई सुंदरी के साथ भी भये लीबी के होगी सुंदरी, कह कर ना आ पड़े ने आ पड़ो अपे पिछाड़ ले मारनी गा के भाई ले मारनी बात है ना। तो सारावती के साथ दी एक दासी और अब इनकी हो गई शादी, क्या हो गई शादी हो गई है साहब, जीवन बड़ा सुख में चल रहा है। पृथ्वी राज सिसोदिया आक्रमण करते हैं अजमेर, और अजमेर के अजय मेरु दुर्ग जिसको कहा जाता है गढ़ बिठली, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी में 1113 में अजय राज ने करवाया था, इस दुर्ग को इन्होंने जीता और उसका पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम रख दिया अपने तारा के लिए कि तू नहीं तेरी याद सही यादों के सहारे जी लेंगे, तारागढ़ बना दिया साहब इसके लिए। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने रानी साहिबा के लिए नाम पर अजय मेरु दुर्ग या फिर गढ़ बिटली का नाम बदलकर क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की तारावती से हुई शादी। अगले मोड़ में पुतल ने दिया एक पुत्र को जन्म बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया का अपना दासी के ऊपर भी थोड़ा सा मन था, क्या था, थोड़ा सा मन था, और उस मन का परिणाम एक बनवीर था, ठीक है। तो दासी पुत्र है बनवीर, कई बार असमंजस की बात होती है बेटा कि ये दासी पुत्र बनवीर का पापा कौन है, अरे पापा पृथ्वीराज सिसोदिया ही है और पृथ्वीराज सिसोदिया का ही बेटा है बनवीर, और बनवीर आगे चल के विक्रमादित्य की करेगा हत्या। सांगा के बेटे विक्रमादित्य की यही बनवीर करेगा आगे हत्या, क्योंकि बनवीर उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया राजकाज का हक होता है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद राजकाज का हकदार बनवीर था, बनवीर था, और उसने विक्रमादित्य की इसी को बात को लेकर हत्या भी की थी। तो बनवीर जो दासी पुत्र है, दासी पुत्र किसका है, पुतल का है। तारावती कहां से है, टोडा से है। पिता का नाम क्या है, राव सुल्तान। आदमी इतना कोई हो, खतरा को तो खिलाड़ी हो। अब पृथ्वीराज सिसोदिया की एक भाण है आनंदा बाई, कौन है आनंदा, एक जो जिज्जू साहा